हम लोग अभी आज की क्लासेस में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एब्सल्यूट वैल्यूज हम लोग कैसे करते हैं। एब्सल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सेल को फ्रिज करना, यानी सेल को एक जगह रोकना। अभी जैसे मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम और सेल्स अमाउंट। ये हमारे कुछ नेम है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ सेल्स अमाउंट राइट किया है। अब हम चाहते हैं कि इन सारे सेल्स अमाउंट का हमें 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाए। तो अभी इन सेल्स अमाउंट पे 10% का हमें डिस्काउंट देना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम बना लिया और यहाँ मैंने लिख दिया एक अलग सेल में 10%। अभी मैं यहाँ 10% इसका डिस्काउंट निकालना चाहता हूँ। तो मैं ये चीज़ कैसे करने वाला हूँ, अभी देखते हैं आप। मैंने यहाँ पर लगाया एक इक्वल टू, और हमारा जो सेल्स अमाउंट था, इस सेल्स अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करा दिया 10% से। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने जो हमारा सेल्स अमाउंट था कविता का 1200 रुपये, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया इस सेल से। अभी अगर हम यहां पर एंटर करते हैं तो हमें यहां पर इसका डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं 1200 का 10% अमाउंट तो 120 रुपये आता है, यहां पे हमारा अमाउंट आ गया। लेकिन इस अमाउंट को अगर हम ड्रैग करते हैं, यानी नीचे इस तरीके से हम लोग ड्रैग करके निकालना चाहें सभी का, तो यहां पर हमें अमाउंट नहीं मिलता। अभी देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पर अमाउंट। तो अमाउंट क्यों नहीं मिला, रीजन चेक करते हैं। हमने यहाँ डबल क्लिक किया और देखा कि इसने राजा के अमाउंट को तो पढ़ा 700, लेकिन जो हमने 10% अमाउंट यहाँ पर दिया था उससे ये वन सेल डाउन चला गया, ठीक है। एक्सेल ऐसे ही करता है, जब हम लोग ड्रैग करते हैं ना किसी वैल्यूज को, तो वन सेल डाउन चलता है, एक सेल डाउन चलता रहता है। अभी यहां पर ये आ गया F2 पर, जबकि हमारी जो वैल्यू है वो F1 पर है, F1 सेल एड्रेस पर है, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो ये F3 आ गया, जबकि हमारी जो वैल्यू है वो यहां पर भी F1 पे थी, और यहां तो ये सही पड़ रहा है क्योंकि यहां ये वन सेल डाउन चल रहा है, लेकिन यहां पर भी वन सेल डाउन चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सेल है वो वन एक सेल डाउन ना चले, ये यहीं पे रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ रॉ साइड से, ये हमारा रॉ एक नंबर रॉ है, हमने रॉ साइड से इसे फ्रिज कर दिया एक डॉलर के साइन के साथ। तो रॉ साइड से जब मैं इसे फ्रिज करूंगा तो ये क्या होगा, रॉ एक नंबर रॉ पे ये रुक जाएगा, अब ये दो नंबर रॉ पे नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं इसको, एंटर, मैंने एंटर किया और अब इसे मैं ड्रैग करता हूँ। सो जैसे मैंने इसे ड्रैग किया, देखो इसने सबकी वैल्यूज पढ़ ली, क्योंकि हमने इसे क्या बताया, देखिए हमने इसे कुछ इस तरीके से बताया कि हम जो ये अमाउंट देख रहे हैं इस अमाउंट का, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 1200 का मल्टीप्लाई कर रहा है F1 के साथ, 700 का मल्टीप्लाई कर रहा है ये यहाँ F1 के साथ, और यहाँ जो भी हमारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ भी 122 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई ये कर रहा है F1 के साथ, यानी सारे मल्टीप्लाई ये F1 के साथ ही कर रहा है। इस डॉलर का फायदा ये होता है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अभी ये जो मैंने बताया आपको, ये था हमारा रॉ फ्रीजिंग, एक इसी में आता है हमारा कॉलम फ्रीजिंग। अभी हम कॉलम फ्रीजिंग कब लगाते हैं, अब उसको देखते हैं। अगर हमें यहाँ वैल्यूज को कॉलम में सॉल्व करना है, अभी जैसे मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं वैल्यूज, मैंने यहां लिख दिया नेम और इनका सेल्स अमाउंट। अभी नेम और सेल्स अमाउंट हमने यहां रख दिया, हमारा जो यहां पर नेम है, जैसे यहां कविता, राजा, कोमल, सुनील, पवन, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये हम यहां पर राइट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहां लिख दिया कविता, राजा, कोमल, सुनील,
और पावन। ऐसे ही हम लोग और भी लिख सकते हैं ना। अब हमने इनका सेल्स अमाउंट भी यहाँ लिख दिया। अभी जैसे सेल्स अमाउंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1200, 700, 122, 500 और 650। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ट्रांसपोज से भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को। तो हमें यहाँ पर अभी क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है। अब जो डिस्काउंट हम निकालने वाले हैं वो 10% निकालेंगे, वो भी इस अमाउंट का। तो हमने इस अमाउंट पे क्लिक किया। ये जो अमाउंट आ रहा है हमारा एच कॉलम पे आ रहा था, एच के फोर्थ नंबर रो पे, तो हमने यहाँ पे इस सेल को ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करा दिया 10% से। अभी एंटर करते हैं, तो सेम एज जब हम इसे मूव करते हैं ड्रैग करके, तो ये भी एक सेल डाउन, मतलब एक सेल वो डाउन चल रहा था क्योंकि हम नीचे खींच रहे थे उसे, अब ये राइट चल रहा है। हम लोग यहाँ डबल क्लिक करके देखते हैं, देखो इसने 700 को पढ़ा लेकिन एक सेल आगे चला गई। ठीक है, यहाँ पर 122 को पढ़ रही है लेकिन यहाँ भी एक सेल आगे चला गया ये। इसी तरह से ये एक एक सेल हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें इसे आगे बढ़ने से रोकना है। फ्रीजिंग हम वहीं लगाते हैं जहाँ से हमें सेल को रोकना होता है। अगर हम कॉलम साइड से रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम अपनी वैल्यू को कॉलम पे कॉलम से ट्रैक करेंगे, तो हम कॉलम साइड फ्रीजिंग लगाएंगे। और अगर हमें रॉ साइड से ट्रैक करना है तो हम रॉ साइड से फ्रीजिंग लगाएंगे। जैसे हमने अभी नीचे ट्रैक किया था, ये रॉ साइड फ्रीजिंग थी, और अब हम ऐसे ट्रैक कर रहे हैं, ये कॉलम साइड फ्रीजिंग है। तो हम यहाँ कॉलम के सामने, मतलब एफ के आगे एक डॉलर लगा देंगे। अभी एक डॉलर लगा करके मैंने इसे एंटर किया और अब मैं इसे ऐसे करके खींच देता हूँ। तो जब मैंने इसे ड्रैग किया तो अब हमें यहाँ पर इनका अमाउंट मिल गया। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया? तो ये यहाँ मैंने बताया अभी कॉलम फ्रिजिंग, कि कॉलम किस तरीके से एब्सोल्यूट किया जाता है, कॉलम कैसे फ्रिज किया जाता है, और यहाँ मैंने बताया आपको कि रॉ साइड फ्रिजिंग्स हमने कैसे की। ठीक है, यहाँ पे रॉ को कैसे एब्सोल्यूट किया जाता है। ओके, इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जब हम लोग कभी कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो फ्रीजिंग का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको हम और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक और प्रोजेक्ट। अब हम लोग एक सेकंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रॉ और कॉलम के साथ, दोनों के साथ फ्रीजिंग करने वाले हैं। ओके, अभी दोनों के साथ फ्रीजिंग हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया टू, और अभी मुझे टू का टेबल बनाना है। यहाँ मैंने राइट कर दिया थ्री। टू और थ्री दोनों को हम जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर एक टेबल बन जाएगा। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे करके एक टेबल बन गया। अब यहाँ पर भी सेम वही थ्री, और यहाँ भी 10 तक हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये हमने ऐसे बना लिया। अब हम चाहते हैं कि ये एक टेबल बन जाए, मतलब इसकी फ्रीजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हम जब इसे ड्रैग करें तो ये पूरा पूरा का पूरा टेबल बन के हमारे सामने आ जाए। तो अब ये टेबल कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगा करके हम यहाँ पर इसको किस तरीके से फ्रीजिंग करेंगे थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना आप लोग। हमने इसे कहा कि हमें यहां पर एक थ्री का टेबल बनाना है। ठीक है, ओके, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। मिस्टेक्स कुछ इस तरीके से, हमें यहाँ पर वन का नहीं बनाया, 1 2 3 4। कोई बात नहीं, हम एक नया कॉलम ले लेते हैं यहाँ से, राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम। ओके, हमने एक कॉलम ले लिया, इसे डिलीट करते हैं, यहाँ रखते हैं वन, और यहाँ पर एक टू बना देते हैं। अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमने इसका टेबल्स क्रिएट करना है। सो फर्स्ट पहले हम लोग ऐसे कुछ काउंटिंग करते हैं। ठीक है, हमने टेबल बनाना है टू का, तो टू का टेबल बनाने के लिए टू वन जा टू, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा ये।
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो यहाँ मुझे फोर मिलना चाहिए, टू थ्री जा सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स मिलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन यहाँ हमें मिलनी चाहिए। तो हम देखिए कैसे फ्रीजिंग करते हैं, किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे आप कि आपको डॉलर कहाँ लगाना है। देखिए इक्वल टू हमने कहा टू मल्टीप्लाई बाय टू, अभी टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो हम इस टू को पढ़ते हैं पहले, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा, टू फोर जा, टू फाइव जा, टू सिक्स जा, मतलब हम इस बार बार इस टू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टू आ रहा है हमारा, ये बी वन वाले सेल में है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टू है ये अपनी जगह से रो साइड से ये नीचे नहीं आ रहा है, हम बार बार यहीं से इसे पढ़ रहे हैं, तो हम इसको डॉलर्स रो की साइड से लगा देते हैं ताकि ये नीचे ना आए, जब हम इसे ड्रैग करें तो ये टू अपनी जगह पे ही रुका रहे, ठीक है। इसको अब उल्टा ऐसे पढ़ते हैं, टू वन जा, टू टू जा, टू थ्री जा, टू फोर जा, मतलब अब इस ये वाला जो टू अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, इसलिए अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को कॉलम साइड से फ्रिज कर देंगे, ओके। ये ऐसे पड़ेगा यहां से, तो ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, और ये ऐसे पड़ेगा इसलिए ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। हमने दोनों की फ्रिजिंग कर दी, हम एंटर करेंगे तो यहां हमें एक आंसर मिलेगा फोर। बस अब आप क्या करने वाले हैं, यहां से इसे ड्रैग कर दीजिए और यहां से इसे ड्रैग कर दीजिए, बस एक बार में आपका फ्रिजिंग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया एब्सोल्यूट कैसे करते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें जरूर, और कमेंट तो जरूर करें ताकि मैं आने वाली वीडियोस में और बेहतर तरीके से आप लोगों को सिखा सकूं। धन्यवाद।